नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अभी मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ, चंबा ज़िला के भलई पंचायत में हम लोग अभी आराम फरमा हैं। और आज हमने यहीं के बाशिंदे एक चचा से मुलाकात की और उनसे जानेंगे कि यहाँ के लोग जो है कैसे रहते हैं, इन लोगों का रहन सहन कैसा है, और इतनी ऊंचाई होने के बावजूद भी, इतनी ऊंचाई पे लोग रहते हैं फिर भी ये बिल्कुल हंसती हुई ज़िंदगी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ठीक है। और इनका रहन सहन बिल्कुल शहरों वाला है, रहते इतने ऊंचे पहाड़ों पर हैं लेकिन इनके मकान और घर बिल्कुल शहरों में जैसे घर होते हैं वैसे हैं, और इनका खान पान बिल्कुल बदला हुआ नहीं है, बल्कि जो शहरी लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, खान पान जैसा रखते हैं, वैसा का वैसा ये इतनी ऊंचाई पर रहने के बावजूद भी करते हैं। तो आइए हम इनसे थोड़ी मुलाकात करते हैं ताकि ये हमको बिल्कुल तफसीली गुफ्तगु से बता सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। खैरियत से हैं आप? हाँ जी, खैरियत से हैं जी। आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? नाम दीन है हमारा। जी माशाल्लाह। कहाँ रहते हैं आप? हम इधर किहार में रहते हैं जी, सलूनी तहसील से आगे। अच्छा अच्छा जी, माशाल्लाह जी। तो यहीं के बाशिंदे हैं आप? हाँ जी जी माशाल्लाह। हाँ जी, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये पहाड़ी ज़िंदगी है, पहाड़ी ज़िंदगी आप कैसे गुजारते हैं, क्या करना? फिर वहीं पैदा हुए हैं तो वहीं का खान पान, उठना बैठना। जी जी जी। हाँ जी, तो वहीं हमने ये ज़िंदगी गुजार ली है। जी जी। 74 साल की हमारी उम्र हो गई अब। जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको और उम्र अता फरमाए। जी जी। तो ऐसे मुसीबतों में ही दिन काट लिए, फिर यहाँ कारोबार भी उतना था नहीं। जी जी। तो फिर जब कोई मुसीबत में ऐसे रहा, हमारी उधर सड़क भी नहीं थी। जी जी। बिजली भी नहीं थी। जी। तो फिर हम वो वहाँ काम करते रहे, बिजली का भी काम किया, सड़कों का भी काम किया, जो कि ये बाउंड्री है जेंडका की बाउंड्री है, वहाँ तक हमने काम किया। माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बर्फ पड़ती थी हमारे उधर जहाँ हम रहते हैं ना। जी जी। बर्फ पड़ती थी, मीटरों के हिसाब से बर्फ पड़ती थी। अच्छा। अब वही बर्फ जहाँ बाउंड्री है वहाँ तक इस साल में बर्फ पड़ी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो अब अल्लाह की मर्जी है, पता नहीं कैसा आगे के लिए और हो जाएगा ये। सही बात है, सही बात है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इतने ऊंचाई पे आप रहते हैं जी, तो आपके खाने पीने में और खाने की जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती है, जैसे पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई होती है, आपकी जो ज़रूरत की जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, कपड़े हैं, राशन है जी, तो और दूसरी बात पानी की भी दिक्कतें आती होंगी आपको, तो खाने पीने का कैसे आपका बंदोबस्त रहता है? हमारा फिर खाने पीने का तो खैर दुकानें शुकाने जब जितनी हमारी जिंदगी हुई तो दुकानें उसमें थी, पुरानी हिसाब की दुकानें थी। अच्छा। राशन पानी मिलता था। हाँ। हर चीज करते थे तो ऐसे ही गुजारा चलता रहा जी। बर्फ पड़ती है तो फिर बर्फ में हम अंदर ही रहते हैं, फिर जी घूमना हमारा बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा। माल मवेशी के लिए चारा चूरा जो है तो वो एक साथ में रखा होता है जी, तो वहीं से उठाना, तो वहीं से उसको बस वरे का परे कर देना, तो थोड़ा उनका भी गुजारा जी। तो अपना खाने पीने का भी सामान जो है तो हमारे उधर जमीन में ही मतलब पैदा हो जाता, मक्की होता है हमारे। अच्छा, बहुत अच्छा, मक्की होता अच्छा, है अच्छा, अच्छा। तो हम मक्की ये मतलब पूरा अपना बर्फ का टाइम जो है, स्याले का टाइम जो है जी, उसमें ही हम गुजारा करते रहते हैं। हाँ जी जी। तो, आप तो फिर इतने ऊंचाई में पानी की क्या व्यवस्था है आपके? पानी भी है हमारे चश्मे बहुत है उधर, उधर अल्लाह के मालूम कुदरती चश्मे कुदरती है। अच्छा 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 माशाल्लाह। अब तो नलके लगे हैं, अब तो घर घर में नलके लग गए जी, अब तो बड़ी सहूलत हो गई जी, बिजली भी आ गई हमारे, सड़क भी आ गई हमारे, गाड़ी चलती है, जहाँ की अब मतलब दिक्कत नहीं है कि किसी चीज की तंगी नहीं है अब। जी जी जी। इतना तो अब तो बिल्कुल सहूलत का ज़माना है, अब तो हर एक चीज़ की व्यवस्था है, हम देख रहे हैं इतनी ऊंचाई पे रहने के बावजूद भी अब यहाँ पे लाइट की भी अच्छी व्यवस्था है, पानी की भी अच्छी है, साधन भी बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे,
और घर घर में साधन है। बेशक आपके आपके जब बचपन था तो वो के थोड़े से बताएं आप, आप कैसे अपने दिन गुजारते थे? बस मजदूरी करते थे जी, कहीं सड़क कमा ली तब टाइम पास कर लिया, कोई बिजली का काम किया तो वहाँ पैसा कमा लिया तो अपना घर का राशन पानी जो है उसी में गुजारा चलता रहा। अनपढ़ जिंदगी हो गई, माँ बाप जो थे तो वो भी जरा बुजुर्ग थे ज़्यादा, तो ऐसा कि भाई उनके भी हमने पूरी सेवा हम कर नहीं सके जी, जी, जी। तो वो गुजर गए। अच्छा, तो ऐसा ऐसा ही चलता रहा निज़ाम अभी तक, वो आप तो अपने पाँव पर हम खड़े हैं जी। अब आगे बच्चे हैं हमारे जी, तीन लड़के हैं हमारे जी, बहू भी है, पोत्रियां भी हैं, धोत्रियां भी हैं, सब कुछ है, अल्लाह ने बहुत बहुत उसका शुक्र गुजार हैं। चलो अल्लाह ताला सबको तो सलामत रखे। बहुत बगीचा लगा हुआ है जी, माशाल्लाह बगीचा लगा हुआ है, अल्लाह की बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं हम जी जी। हाँ जी, तो मुसीबतें तो बड़ी आई है लेकिन हमने उससे हम घबराए नहीं। अच्छा। हाँ घबराए नहीं जी, माशाल्लाह। हाँ जी, तो अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं जी कि यहाँ पर अगर कोई बीमार वगैरह हो जाता है या फिर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो फिर हॉस्पिटल की व्यवस्था तो बहुत दूर रह जाता होगा। हाँ नहीं नहीं, हमारे नजदीक ही में है हॉस्पिटल, बहुत पुराना तो है। पहाड़ों पहाड़ बहुत ऊंचे रहते हैं, ऊंचे हैं, और उसमें चक्कर काटते काटते बंदे की हालत खराब हो जाती है। हो जाती है जी, कभी मर भी जाता है कोई। अच्छा अच्छा, हाँ, तो क्योंकि एक एक पहाड़ में जो गोलाइयां हैं वो 20-25 किलोमीटर की है। बहुत ज्यादा जी, आप देख लो ये सामने जो है ना पहाड़ी नजर आती जी, खत्म होती है ये वाला, इधर इधर जो सामने नजर आ रहा वो नजर आती ना वो बदल के नीचे जी जी जी। तो इससे परे भी हम गए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, परली साइड भी हम घूम के आए हैं यहाँ जी, जी। यहाँ कोई साधन नहीं था, कोई सड़क का साधन नहीं था जी, कोई बिजली का साधन नहीं था, पैदल पैदल चलते थे जी जी। और तो ये भेड़ू और बकरे है ना जी जी, इन पर राशन जाता था जी वहाँ के लिए। अच्छा, हाँ, उधर से भी सामान राशन उनके पर आता था। अच्छा, वो क्रॉस करते थे, कभी वो गिर जाते थे बर्फ में, दब जाते थे, मर जाते थे, कोई पता नहीं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसा ऐसा हमने इलाका देखा। अच्छा, गए हम। आज तो गाड़ियां हैं घर, आज तो अब उधर भी गाड़ी चली है जी, जी। उधर बिजली भी तैयार हो गई जी, हाँ, तो अब तो उधर भी बड़ी सहूलत है जी, जी, जी। उसका उस जगह का पांगी है जी, पांगी पहाड़ जैंड का बाउंड्री है वो जी जी। हाँ जी, चनाव नदी है एक बहुत भारी, चंदन बाग बोलते हैं उसको जी जी जी। इतनी गहरी नदी है ना जी जी, कि एक पूरा दरख्त उसमें डालना हो ना जी तो वो डूब जाता है, इतनी गहरी नदी है वो। जब कभी वो उसका गोला बन जाता है जी, गोला जी जी, पानी का गोला बन जाता है, वो फट जाता था ना। अच्छा, तो औरतों के हम्बल जो है टूट जाते थे, इतना इतना वो नदी गहरी है। ढंकार सप्पड़ बहुत बड़े 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 सप्पड़ हैं जी जी, नीचे नदी से लेकर तो ऊपर पहाड़ी पूरा टॉप तक सपड़ी सपड़ है, यानी पहाड़ सपड़ पहाड़ को कहते हैं जी जी जी, माशाल्लाह। तो गांव है वहाँ, चार चार पांच पांच किलोमीटर पर गांव है वहाँ पर जी। तो अब तो बड़ी सहूलतें हो गई, उधर की दुनिया जो है बड़ी अब पैसे वाली हो गई जी, बहुत खान पान हर चीज अब उनको बड़ी सहूलत। गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कुछ मान लो कुछ फायदे है, जैसे राशन कार्ड के जरिए से कोटे से जो गेहूं है हाँ, और ये राशन जो हाँ, वो भी मिलता होगा आपको? 2 रुपए किलो मिलता है हमको, 2 रुपए 2.5 रुपए किलो मिलता है। अच्छा, चावल वगैरह गेहूं वगैरह जी जी, बस यही ऐसा ऐसा जी। अब वो भी काम होने लगा है, अब कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। हाँ, अच्छा, अच्छा। सरकार ने कुछ फ्री भी दिया हमको जी जी, दिया है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जो आगे का पता नहीं है आगे क्या बनेगा ये, नहीं नहीं, इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा आपके साथ। और अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये इतनी ऊंचाइयों पे जब गाड़ियां चलती है इतनी तेजी से के साथ, एक्सपर्ट लोग इन गाड़ियों को चलाते हैं, कभी हादसे भी हुए होंगे? बहुत 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 होते जी, पहाड़ी में है ना जी, कहीं जगह कम होती है जी, कोई ऐसी। पर ये चलने में जो ड्राइवर लोग हैं जी, वो 2 दिन गाड़ी को पकड़ते हैं तो सीख जाते हैं। अच्छा, तो वो अनट्रेंड तो होते हैं जी जी, इसका भी कोर्स है ना जी 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 जी। तो वो गिर जाते हैं, हाँ, वो अपने उसमें चलते हैं, धुन में चलते हैं जी, गिर जाते हैं, बस खत्म हो गए हैं। अच्छा, तो ये जब खत्म, ये गाड़ियां जब नीचे गिरती हैं तो उनको कोई लेने जाता है
या फिर सरकारी कोई अगर निकलने में आई तो निकाल भी देते हैं, ले जाते हैं उसका, फिर नहीं तो फिर कोई ज्यादातर चांस नहीं होता। बड़ी बड़ी मशीनें आई यहाँ वो सड़क के लिए ना काटने के लिए, अच्छा अच्छा, तो वो गिर गई है यहाँ पीछे, हांदल साइड बोलते हैं, बाउंड्री के साथ में जगह है। जी जी जी, वो जिस गाड़ी में लोड हुई थी ना जी, वो गाड़ी गिरी, वो ऐसे गिरी कि वहाँ डंगा था, वो सड़क का डंगा था ना जी जी जी, जब उस पर गाड़ी गुजरी है वो मशीन लेकर, मशीन भी तो बड़ी 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 बहुत बड़ी थी जी जी, तो जब उस पर वजन पड़ गया जी डंगे पर, तो वो उसको चारा नहीं लगा, आगे नहीं निकली, वहाँ से गिर गई तो बहुत ही डूबे नाले में चले गई वो गाड़ी, ट्रक भी चले गया, मशीन भी चले गई, उसके फिर पुर्जे निकाल निकाल के उन्होंने लिए वहाँ से। ऐसे ऐसे नाले हैं जी, जी। बर्फ पड़ता है, बहुत ढलान में जगह है जी, वो नदी को क्रॉस कर जाती है वो जी, पूरा चलता ना ग्लेशियर जी जी जी, तो नदी क्रॉस करके उसके ऊपर दुनिया चलती है, नीचे से दरिया चलता है। अल्लाह, ऐसी ऐसी जगह हैं और हम चले हैं ये, यहाँ की जो बात करते हैं ना जी, तो यहाँ हम ना कहाँ जो पांगी बोलते हैं, वहाँ पांगी, इस पहाड़ को पांगी कहते हैं। हाँ जी, पांगी इस परली साइड पांगी है जी जी जी, साथ में जी। हम तीन जोत हमने क्रॉस किए हैं जी, पैदल, बहुत बुरी हालत, चलने में इतनी दिक्कत पहाड़ियों में, अगर जरा गिर जाए ना जी तो आदमी मालूम नहीं होगा कि यहाँ था कोई आया हुआ जी जी, ऐसा है तो बहुत मुसीबतें में दिन काट लिए, क्या करना जी। चलो चाचा, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा जी, और अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल अता फरमाए, हर बलाओं से, हर मुसीबत से, हर जो है मुश्किलों से अल्लाह आपको बचाए, हमारे लिए भी दुआ करना। दुआ अल्लाह ताले सही है जी, सबको जी, वो दिलों का जानने वाला है, बेशक बेशक बेशक, कि तेरे दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है जी जी जी, बेशक बेशक, तो हमें तो उसी पर विश्वास है, बेशक, जो अब कुरान को जानने वाला है, सब कुछ चीजें हैं कुरान में है जी, बेशक जी जी, हमें तो उसी पर मालूम है जो कुछ भी है जी जी, बस उसके बाहर हम बिल्कुल कदम नहीं उठाते। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा अकीदा है आपका, अल्लाह इसी अकीदे को सलामत रखे। इसमें ये जो दो पार्टियां हैं ना जी, हमारे जो दो पार्टी जो चलने वाले हैं ना बड़े बड़े जी, ये भी हैं, ये उधर जाते हैं, नीचे जाते हैं तो वहाँ कुछ करते हैं, वहाँ अच्छा हो माहौल, सब कुछ अच्छा जी, यहाँ आते यहाँ बताते हैं लोगों को, गुमराह कर देते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये पार्टियां दो बनी हुई है, दो पार्टियां बनी हुई है, तो ऐसा ही बात। आप किस पार्टी को फॉलो करते हैं? मैं सुनी से। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, सुन्नियत पे कायम रखे। इनकी बातों में नहीं आता ना तो मैं गया, मैं आना भी नहीं है कभी, आना भी नहीं है। चलो, आप जैसे लिखे पढ़े आदमी हैं, हदीस को जानने वाले हैं जी जी, तो जैसे आपने कोई हदीस पढ़ के सुनाई है जी जी, हमने वो मालूम किए है जी जी जी, हाँ जी, उसके ऊपर असर किया जी जी, माशाल्लाह उसी के पर हमने। चलो चलो, ये कुरान की बातें हमारे लिए रास्ता है जी, बेशक बेशक जी, ठीक है, इसमें सब मालूम है जी जी जी, उठने बैठने का, खाने पीने का, जीने का जी, पूरा इसमें मसला है जी, तो हम उससे बाहर क्यों जाएंगे, बेशक वो अल्लाह जाना भी नहीं है, भेजा है ना, बेशक बेशक, तो हमें उसी के पर, हम उसी के शुक्र गुजार हैं। ठीक है जी जी, ठीक है चाचा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।